हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल में अपन जैसे अपने जो नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर है भाग चार, तो उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको अपन एक बार क्लू से याद करने की कोशिश करेंगे भाग चार में, ठीक है ना। और ये क्लू से याद करना इन आर्टिकल को बहुत जरूरी है। अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं प्री में इन दोनों में, इनकी अनुच्छेदों की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ईजी है। सबसे चैलेंजिंग जो काम है, टफ काम है, वो है पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से उसके विवरण को, उसके कंटेंट को याद रखना। प्री मेन में यही आ रहा है सबसे ज़्यादा इस समय जो है, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी। ओके, तो मैंने इसके कुछ क्लू डिज़ाइन करे हुए हैं ये संकेत वाले कॉलम में, ठीक है। हो सकता है आपको इससे अच्छा क्लू याद आए, तो मेरा मकसद सिर्फ एक आपको हिंट देना है कि ऐसे भी हो सकता है, एक ऑप्शन ही अपने पास है। फिर अगर आपको कोई लगता है कि इससे अच्छा क्लू मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो आप इसका प्रिंट लेके अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। ओके, तो अपन इस फाइल के अंदर इन क्लूज के माध्यम से आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें इस फाइल के अंदर अपन भाग चार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनके आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे आयरलैंड लिखा हुआ है, ये जो भाग चार है, भाग चार में जो नीति निदेशक तत्व है ये आयरलैंड, ठीक है, जो अपने ब्रिटेन के बिल्कुल बगल में है, लेफ्ट पश्चिम साइड में अटलांटिक महासागर में, उसकी राजधानी आयरलैंड, ठीक है, वहाँ से ये लिए गए हैं, वहाँ के संविधान से लिए गए थे नीति निर्देश तत्व, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं उसी तरह। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, तो कई बार जैसे क्वेश्चन आया कि कहाँ से लिए गए हैं ये, उसमें आयरलैंड ऑप्शन में नहीं, उसकी राजधानी ऑप्शन में, ठीक है, तो डबलिन। और आयरलैंड से जैसे याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्लू के रूप में एनी बेसेंट जो थी, जो कि कांग्रेस की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण का योगदान था, और 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता भी करी थी, तो वो भी एनी बेसेंट जो थी वो भी आयरलैंड से ही बिलोंग करती थी। तो आप यूँ समझ लो एनी बेसेंट ने बताए ये सारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इस दो लाइन के अंदर ही काफ़ी कुछ अपने को मैटर मिल गया, जो क्वेश्चन काफ़ी आपको इधर उधर मिलेंगे। तो ये जो है अपना भाग चार, इसमें ये आर्टिकल 36 से चालू होता है, और नीचे जैसे आप देख रहे हो, देखो यहाँ मैंने इस टेबल के अंदर ही बता दिया, आर्टिकल 51 तक ये जाता है, तो ये आर्टिकल 51 तक अपन इसको देखेंगे, है ना। तो एक एक आर्टिकल मैं आपको समझा देता हूँ, और वो वैसे आपको याद रखने की कोशिश करनी है, कोशिश करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, आओ आओ। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36, ठीक है, 36 के अंदर क्या है, परिभाषा, है ना। तो अब ये जो शारण ये परिभाषा, ठीक है, तो परिभाषा ये छह ऐसे आप याद रखो, ठीक है। फिर इसका जो एक्सप्रेशन है परिभाषा की, जैसे क्या है इसके अंदर, जैसे राज्य की परिभाषा है तो वो वही है जो भाग अनुच्छेद 12 में भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंदर है। तो ये जो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो तो अलग फाइल में अपन सारा देखेंगे, इस फाइल में मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ अनुच्छेद, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद। तो 36 के अंदर है परिभाषा, राज्य की परिभाषा, 37 में है इनका लागू होना, ठीक है, कि प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना, मतलब अगर स्टेट इनको लागू करने में असफल होती है तो अपन कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते, जबकि मौलिक अधिकार देखे थे वो प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल है, ठीक है, तो ये प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इनका कोई महत्व नहीं है, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट को निर्देश देते हैं, राज्य को निर्देश देते हैं कुछ करने या ना करने के संदर्भ में, ज़्यादातर ये पॉजिटिव सेंस में ही है करने के संदर्भ में, ठीक है। तो ये लागू होना है 37 के अंदर। 38 के अंदर क्या है, लोक कल्याण, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल, इसमें दो हैं 38, एक और दो, है ना, ये सब आर्टिकल जो है ना, ये सब ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो मैंने ब्रैकेट बनाया नहीं है। मेन आर्टिकल जैसे यहाँ आएगा, जैसे मान लो ये एक यहीं का यहाँ लिखा रहता तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगता है ऐसे, ठीक है ना, इस सब आर्टिकल्स में लगते हैं बस ब्रैकेट, ये मैंने पहले भी चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। तो अब 38 एक में देखते हैं क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय का वर्णन है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये सब देखेंगे आगे। फिर दूसरा भौगोलिक क्षेत्रों में व्यवसायों में समानता, ठीक, ये आएगा। तो 38 के अंदर क्या है, लोक कल्याण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वगैरह की दृष्टि से, अभी जो कोविड वाली सिचुएशन हुई उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोक कल्याण, ठीक है ना। तो 38 में क्या है, लोक कल्याण। आठ में जैसे यूँ आ रहा है अणे, तो अणे याद रख लेना आठ से, ठीक है, अणे 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 से क्या, लोक कल्याण, अणे खाली जैसे अपन बोलते हैं तो लोक कल्याण ऐसे। तो 36 में परिभाषा, 37 में लागू होना, और 38 में लोक कल्याण ऐसे। ओके, अब आर्टिकल आ गया 39, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट
कौन बनाता है, ये जो इसके सब आर्टिकल्स है ना, कैसे चेतक, या इंग्लिश में अपन बोले तो ए टू एफ जो है, ठीक है ना, ए टू एफ, तो ये टोटल 6 आर्टिकल है, सब आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 एफ तक, ठीक है ना, यू तो ठीक है, तो कैसे चेतक ये जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, अच्छा ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब इसमें मैं आपको क्लू बता देता हूं कैसे अपन को याद रखेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल 39 ये भी मेंस में अपन जब आंसर लिखेंगे ना तब काफी अपने को मदद करता है आंसर लिखने में ये, ओके ठीक है, काफी मदद करेगा। अब वो कैसे मदद करता है देखते हैं अपन, आर्टिकल 39 सबसे पहले तो ये अनुसरणीय है, मतलब स्टेट के लिए ये फॉलो करना है, ऐसे ऐसे निर्देश है। अब अपन को क्या क्वेश्चन क्या आएगा, देखो 39 के का संबंध किससे, खे का संबंध यू, ऐसे इनको अपन को याद रखना है, ये इनके क्लू है, तो मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले देखो है 39 के, ठीक है, अब कह जो है ना, तो देखो पहले तो क्या है, ये जो इनके क्लू के रूप में मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये इतना इतना कॉलम, ये सब में कॉमन है, सब में कैसे, जैसे अभी अपन थोड़ी देर बाद अगली फाइल के अंदर मौलिक कर्तव्य मैं आपको याद कराऊंगा, तो उसके अंदर भी यही, कैसे कबूतर, कैसे खान, कैसे गाय, कैसे गड़ी, रड़े से, है ना, ये रड़े सड़क, तो आप ये ध्यान यूं मत कन्फ्यूज हो, ये एक्चुअली क्या है, ये जो डे है ना, ये डे डे, और ये होता है डे, ठीक है, ये डे है, ये अड़े है, तो सड़क के अंदर ये काम आता है सड़क, ये अड़े काम नहीं आता, ठीक है ना, अपन कह के गए अड़े जो देखते हैं वो, ठीक, तो ये वो है कह गड़ा वाला, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो कौन सा क्या है, बस आप तो यूँ समझ लो ये अड़े से सड़क लिखा हुआ है, क्लू के रूप में याद रखना। फिर जैसे चरखा कैसे वापस कबूतर, ये 39 के अंदर आ गया, वापस 39 का ये आगे आएगा ये, ठीक है, ये जो कह आ रहे हैं ना, ये तो मेन आर्टिकल है और ये सब आर्टिकल है, इस 39 के और इस 39 के अंदर दिन रात का फर्क है, ये कह जो है 39 का ये ब्रैकेट में लिखा जाता है और ये विदाउट ब्रैकेट में, ये जो है ये सब आर्टिकल है, सब आर्टिकल है ना, और ये जो है ये मेन आर्टिकल है, मेन आर्टिकल, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको 19A के में भी बताए थे मौलिक अधिकार वाले के अंदर, है ना, तो ये तो कॉमन रहेगा इतना सेक्शन, तो ये इतना इतना, बाकी इनकी एक्सप्रेशन चेंज होगी, तो ये याद रखना अपने को, जुड़ेगा इसी से, ठीक है। अब जैसे 39 का अपन जैसे देखते हैं, या 39A, इसमें जीविका की बात है, ठीक है, तो जीविका कमाए जाए, कमा सके हर व्यक्ति, ऐसी जो परिस्थितियां ये राज्य उत्पन्न करेगा, ये 39 के अंदर लिखा हुआ है, तो यूं है कि देखो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार हो, प्राप्त करने का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था सरकार राज्य करेगा। अब याद कैसे रहेगा, जैसे कैसे अपन ने, मैंने क्या क्लू बताया, कबूतर, तो कबूतर जैसे जो होता है वो अपनी जीविका चलाता है कि नहीं चलाता है, दाने चुगता है, सब चुगता है, घोंसला बनाता है, यूं, तो कैसे कबूतर, और कबूतर अपनी जीविका चलाता है, ठीक है। कैसे है खान, ठीक है, खान, खान कौन सी, जैसे जो माइंस होती है वो तो भौतिक संसाधन होती है, ठीक है, और वो खान जो खानों से जो कोयला निकलता है वो सामूहिक हित के अंदर रूप में काम लिया जाना चाहिए, ठीक है, और संसाधनों का जो उपयोग है वो सामूहिक सोसाइटी के हित के अंदर होना चाहिए, तो खान के जो भौतिक संसाधन है उनका सामूहिक उपयोग होना चाहिए, तो कैसे खान, ठीक है। गय जो हो जाएगा, गय के अंदर क्या है, गैसे गाय, तो गाय आर्थिक संसाधन है कि नहीं है, ठीक है, खेती में काम आती है, काउडंग उसके गोबर के रूप में, ठीक है, और काफ़ी जैसे गौमूत्र से दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ऐसे ओमेगा 3 जैसे इनके इसमें गाय के अंदर होता है, तो आर्थिक संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाय के रूप, गाय आर्थिक संसाधन के रूप में थे, ठीक है, तो इसका संकेंद्र नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक वेल्थ का, ठीक है, एक हाथों के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि सभी गाय बस कुछ लोगों के पास हो, ठीक, तो ऐसे याद रखना है, गैस है गाय, उसका आर्थिक महत्व, ठीक है, उसका आर्थिक महत्व, इसलिए संकेंद्र नहीं, संकेंद्र नहीं होना चाहिए एक जगह, कंसंट्रेट वो नहीं, वेल्थ गाय के रूप में होनी चाहिए, तो गैसे गाय आर्थिक महत्व उसका, यू, ठीक है। फिर है घैसे, अपन लिखते हैं घड़ी, ठीक है, घैसे घड़ी याद रखना अपन को, हाथ पे घड़ी बांधते हैं अपन, रिस्ट वॉच, ठीक है, तो इस घड़ी में क्या होता है, जैसे अपन कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो घड़ी देखते हुए काम करते हैं, 9:30 बजे ऐसे से अपन को ऑफिस रहना है, काम करना है, और उस कार्य का अपन को क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, ऐसे, तो घैसे घड़ी और कार्य वेतन,
ठीक है, तो ये आर्टिकल तो ये आएगा समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुषों में। ठीक, तो अपन को तो घर से गाड़ी याद रख लो, और गाड़ी से कार्य और वेतन निश्चित है। ओके, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है। सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम है शुरू मैंने बताया, इनको क्लू के रूप में याद रखना, पर्टिकुलर आर्टिकल्स को। सीधा एग्जाम के अंदर ये आएगा 39 घ का संबंध है। अब आप देखोगे मेरे को एक्सप्लेनेशन तो सारी आती है, लेकिन ये नहीं पता 39 घ कहाँ है, उसमें है क्या। तो घ से घड़ी, घ से घड़ी करते, घड़ी कार्य वेतन, ये क्लू शब्द याद आ गए ना, हो गई बस बल्ले बल्ले अपनी बात इतनी सी है। फिर ढ से मैंने बताया था सड़क, तो सड़क पे कर्मकार काम करते हैं जैसे वर्कर्स, और उन वर्कर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनसे अपन काम ले लें, नो, सड़क के कामकार, सड़क बनाते हैं कर्मकार, और उनके कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार को रखना है। ओके, जैसे चरखा, ठीक है, और चरखा कौन चलाते हैं, बालक बालिकाएं। ठीक, जैसे चरखा और चरखा बालक बालिकाएं, महात्मा गांधी की जैसे आपने फोटो देखी होंगी जो गांधी आश्रम में, तो बालक बालिकाएं ये चरखा काटते रहते हैं, तो जैसे चरखा बालक। ठीक है, ये यहाँ तक ये इतना हो गया, ये आर्टिकल 39 था। ठीक, इसमें अपन ने कैसे चय तक सारा मामला देखा। अब देखो 39 कह के अंदर वापस आएगा तो कैसे कबूतर याद रखना अपने को, तो ये कैसे कबूतर, कबूतर अपने जीविका चलाता था, और ये कैसे कबूतर आगे आएगा, जैसे निःशुल्क सहायता जैसे कबूतर प्रदान करता ही है, जैसे आपने को कबूतर जादा जैसे आपने गाना सुना ही होगा, तो निःशुल्क सहायता के रूप में उसने वो प्रेम पत्र लिया और एक से जगह दूसरी जगह दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़की के बाप को दिया था, माँ को दिया था, उस लड़की को ही दिया था पर्टिकुलर, देखा होगा आपने, तो निःशुल्क सहायता कबूतर ने आपकी करी। ठीक है, तो वो 39 कह के अंदर आएगा। तो मैंने आपको याद कराया आर्टिकल 39 में जो कैसे चेतक है, ठीक है, कैसे कबूतर, कैसे खान, कैसे गाय, कैसे घड़ी, ऐसे सड़क, कैसे चरखा। ओके, तो कैसे कबूतर था जीविका के रूप में, कैसे खान भौतिक संसाधन सामूहिक हित, ठीक है, कैसे गाय, गाय का कैसा महत्व, आर्थिक महत्व, कैसे घड़ी, घड़ी में देख के अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना, कहीं अपन घड़ी बार बार इसलिए देखते रहते हैं कि भाई ज्यादा काम नहीं हो जाए कहीं कोई बात नहीं, तो कैसे घड़ी उसके अनुसार वो कार्य। फिर ऐसे सड़क बनाई किसने, कर्मकारों ने, कर्मकारों ने किसका ध्यान रखना अपन को, उनके स्वास्थ्य का। जैसे चरखा, चरखा कौन चलाया, बालक बालिका है। ठीक है, तो ये कैसे चेतक अपन ने देख लिए क्या 39 के अंदर, 39 के अंदर आर्टिकल। ओके, सुनने में आपको भी बड़ा एब्सर्ड लगेगा, लेकिन प्यारे ध्यान से सुनो, कुछ इसका इंपॉर्टेंस है, तभी अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया, नहीं तो मैं भी सीधा डर नीति देता तो सभी की तरह पढ़ा सकता था। एक बार याद करो फिर अपने आप इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। फिर जिस भी तरीके से आपको लिखना है ना नीति निर्देश तत्व को, चाहे क्वेश्चन आता है कि वो कौन से जो इम्प्लीमेंट कर दिए सरकार ने, लिख सकते हो वो बताओ, जो समाजवादी अप्रोच वाले नीति निर्देश तत्व, इनका फिल्ट्रेशन है, फिर छांटने आपको वो कौन से नीति निर्देश तत्व हैं जो गांधी जी की विचारधारा को झलकाते हैं, फट से आप छांटने करके लिख दो बुक्स के अंदर, वो ऐसे कंफ्यूजिंग फॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है, एक बार आप याद कर लो, हर आर्टिकल पे आपको मास्टरी हो जाएगी, किसी भी तरह से किसी भी तरह का आंसर आप लिख सकते हो, ओपन चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये आर्टिकल याद नहीं करोगे, दिमाग लगाओगे, जिस अप्रोच में सुभाष कश्यप, डी डी बसु, लक्ष्मीकांता, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड और अपने सीबीएसई बोर्ड की में लिखा हुआ है, तो फिर कच्चा खाचा हो गया। देखो सीधी बात बता रहा हूँ आप, तो हल्के में मत लो इनको, क्या असर, क्या कबूतर, क्या खान, क्या गमला की ये, क्या गाय, क्या घड़ी कर रहे हो, तो वापस घूम के आओगे इसी वीडियो में, समझ रहे हो, आखिर प्रिंसिपल है, तो ध्यान रखो इस चीज का, है ना। तो मैंने आपको बताया क्या कि अनुच्छेद 39 कैसे अपन को याद रखना। ओके, अब बढ़ाते हैं अपन आगे बात, अब आ जाओ 39 कह के अंदर, है ना, 39 कह, फिर मैंने अभी आपको बताया कि निःशुल्क सहायता किसने उपलब्ध कराई, बेचारे कबूतर ने उपलब्ध कराई 39 कह में, कह कबूतर, ठीक है ना। अब जब भी कह आएगा ना, जैसे नीति नीति मौली मौली करते हुए आएंगे, उसमें भी कह आएगा, ठीक है, तो और अभी मौलिक अपने अधिकारों वाला जो वीडियो बना हुआ है उसमें भी कैसे कबूतर है, तो कैसे कबूतर याद रखना है, उस कबूतर के अलग अलग जो है ना वो अपन को ध्यान रखना है, कैसे कैसे उसमें एक्सप्लेनेशन है, एक कबूतर जीविका है, एक कबूतर निःशुल्क सहायता है, ऐसे। अब आ जाओ, हाँ, तो ये मैं बता दूं 39 का है, तो कैसे कबूतर निःशुल्क सहायता, ठीक है, और फिर नो है ना, नो, ये नो, नो से क्या है, ये इसका इकाई का अंक है, अपन इकाई का अंक पकड़ेंगे सभी आर्टिकलों में, तो इकाई का अंक है नो, तो आगे कर दिया नो, है ना। तो इस समय क्या है, जैसे भाई कबूतर वैसे निःशुल्क सहायता देता है, ठीक है, लेकिन अपन को याद कैसे रख लेना है कि इस भौतिकवाद के जमाने के अंदर कोई भी वकील तैयार नहीं होता निःशुल्क सहायता देने के अंदर,
बात करते हैं अपन निशुल्क सहायता की, बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे कबूतर का तो बेचारा जमाना ही क्या, दिखते ही नहीं है, सकरात में पतंगे बस ले बैठी उनको सबको। तो आज निशुल्क सहायता की बात करना नो है, मतलब मना है। तो नो से क्या याद आ जाएगा, इकाई का अंक। भाई क्वेश्चन तो ये है ना, 37, 38, 39, 40 किस में है निःशुल्क सहायता। तो अगर अपन को वो नो भी याद है, कबूतर नो, तो ये नो अपन ने पकड़ लिया, वैसे ये हो गया आपका आंसर, है ना 39। क्या तो याद रखी जाओगे कबूतर, तो इस तरह से आपको ये मदद करेगा, देखो है ना। तो हल्के में मतलब इसको नींद उड़ाओ और फिर पढ़ो, ठीक। तो 39 क्या के अंदर है निःशुल्क कानूनी सहायता की बात, और नो वो अपन ने ऐसे याद रखा। फिर 40 में अपन देखते हैं, 46 में पंचायतों का गठन। तो देखो इस 40 के अंदर इकाई का अंक क्या, 0। तो 0 बराबर शून्य बराबर पंचायत है। कहने का मतलब ये जो अपने लोकतंत्र है, तो इसमें MLA MP की चलते बेचारे पंच सरपंच की तो कोई सुनता ही नहीं है, प्रधान की कोई सुनता ही नहीं है, जिसकी लाठी हो उसकी भैंस। पंच सरपंच कुछ बोलते हैं तो वो बिल्कुल वैसी है जैसे नकार खानी तूती की आवाज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो छोटे आदमी को आवाज़ कौन सुनता है, सरपंचों की आवाज़ कौन सुनेगा, पंचायत की आवाज़ कौन सुनेगा। तो इस कारण क्या हो गया, पंचायतों का भविष्य क्या हो गया, 0/0, शून्य, है ना। अब आएगा भैया वो अनुच्छेद बताओ जिसमें पंचायतों के गठन की बात है। तो मैंने सारी रामलीला बता दी, तो आया क्या 0/0, तो क्या हो गया 0 बोले तो 40 हो गया आंसर, हो गया प्री क्वालिफाई, है नहीं। ऐसे रुचि से पढ़ो, इंटरेस्ट से, क्लू बना के। तो ये मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि प्यारे एक रास्ता ये भी है कि नहीं है। तनाव में मत आओ, इजी इनको इस तरह से क्लू से पढ़ो, याद रहेंगे हमेशा जिंदगी भर। SDO बन जाओगे ना उसके बाद भी याद रहेंगे, और हाँ पंचायत, पंचायतों चुनाव कराना, ड्यूटी लगी इलेक्शन में, चलना आप SDO जा रहे हो, पंचायत ओ पंचायत सर बताया 0/40 अनुच्छेद 40, मजा आ गया। भाषण दोगे ना वहाँ जाके, तो उसमें लिखोगे 44 हमारे संविधान का ऐसे ऐसे ऐसे, मजे आएंगे। मजे कब आएंगे, याद करो, याद कब करो, ढंग से सुनो, भावुक मत हो, आ जाओ, है ना। अनुच्छेद 40 पंचायत, ये सुन लो पंचायत, ओके ओके। फिर अपन आगे आते हैं अनुच्छेद 41, याद रखो, है ना। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, ठीक है। अब 41 में एक आ गया ना, ठीक है, एक काम दे दो और काम अच्छा मिल जाएगा ना तुम्हें, शिक्षा भी उसी से लिंक है, अच्छा काम से अच्छी शिक्षा अपन बच्चों को दे सकते हैं, या अच्छी शिक्षा पालेंगे तो अच्छा काम अपन ऑटोमेटिक पालेंगे। जैसे मान लो अच्छी शिक्षा भी आपने यहाँ पाली, एक मिनट पढ़ के, वीडियो को देख के, एक एक मिनट मतलब एक एक आर्टिकल को चबा चबा के आपने पढ़ लिया, तो अच्छा काम मिलेगा। SDO डिप्टी SC बनोगे कि नहीं बनोगे, ऐसे, ठीक है ना। तो एक क्या है, काम और शिक्षा है, एक नंबर का काम चाहिए, एक नंबर की शिक्षा चाहिए, तभी भविष्य सिक्योर है। तो एक बोलते क्या आ गया, अनुच्छेद 41, ठीक है। अब दिमाग मत लगाओ कि सर 31 भी तो है, 151 भी तो है, इतना दिमाग लगा लिया ना तो हो गया 0/0, कुछ नहीं हो सकता। इतना तो याद रखो यार कि यहाँ पे भागचार चालू कहाँ से होगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। ये 31 है ही नहीं, अनुच्छेद 31 इसके अंदर भागचार में है ही नहीं, वो तो रह गया अपने मौलिक अधिकारों के अंदर, और वहां से भी हटके 300 में गया भाग 12 ऐसे। तो अपन कहाँ थे, अपन थे एक, है ना, एक 41। तो एक नंबर की काम, एक नंबर का शिक्षा। दो में अपन जैसे आते हैं, दो में क्या है, प्रसूति, है ना, प्रसूति, तो डिलीवरी, ये याद रखो, है ना। तो डिलीवरी होने पर अपन बात किसकी, कुशल क्षेम हालत अच्छा हालत किसके पूछते हैं, केवल माँ के पूछते हैं जच्चा के, या केवल बच्चे के, नहीं अपन दोनों के पूछते हैं, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं कि नहीं है, दोनों सेफ है, ऐसे। तो प्रसूति से बात किसकी होगी, जच्चा और बच्चा की, तो दो आगे ना, जच्चा एंड बच्चा, तो प्रसूति, ठीक। अभी आर्टिकल क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है सब आगे देख लेंगे, भावुक मत हो, अभी 42-2 याद रख लो, ठीक है। तो 42 प्रसूता, जननी सुरक्षा योजना वगैरह जितनी भी देख रहे हो ना सब इसी की देन है। ये 108 एम्बुलेंस, प्रसूति सहायता एम्बुलेंस है, सब इसी की देन है, अनुच्छेद 42 की। तो जच्चा बच्चा अनुच्छेद 2, 42, ओके ओके। फिर 3 में अपन देखते हैं निर्वाह मजदूरी, ठीक है। तो देखो यूं होता है जैसे कि 3 जैसे अपन जैसे देखते हैं निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस, ठीक है। तो देखो 3 का जैसे अपन क्लू कैसे बना सकते हैं, 3 टी न, ठीक है, 3। तो देखो 3 में क्या आ रहा है, 3 में जैसे आ रहा है एक क्लू आ रहा है, टीन टीन टीन, है ना। तो
टीन शेड कौन बनाते हैं? टीन टीन जैसे अपन को टीन शेड के अंदर के मकान, जैसे आप जैसे देखोगे टीन शेड के मकान किन के होते हैं कंपेरेटिवली, मतलब जो माइग्रेंट लेबर होती है गांव से शहर में आई हुई काम के लिए, तो वो अपन को कहाँ दिखाई देगी? ज्यादातर टीन शेड्स के अंदर दिखाई देगी, रेस्ट के रूप में मजदूरों में। तो ये निर्वाह मजदूरी, क्योंकि अभी वो ज्यादा यहाँ इनकम नहीं होती है, तो लो इनकम में जैसे काम करते हैं और ज्यादातर बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए अपनी जरूरतों को वो सीमित कर देते हैं कहाँ पे? टीन शेड में। तो टीन से तीन आएगा टीन, और टीन से हो जाएगा टीन शेड मजदूर, ठीक है ना? तो निर्वाह मजदूरी ऐसे, मजदूर निर्वाह मजदूरी तीन में, ठीक है? ऐसे तीन 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 निर्वाह मजदूरी, यहाँ आप जैसे लिख लेना, ये थोड़ा सा स्लिप हो गया, ये टीन टीन शेड, ठीक है ना? निर्वाह मजदूरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं इसके अंदर आगे 43 का है, अब वापस क्या आ गया, है ना? तो इसमें इस कै में अपन जैसे क्या यहाँ बना दिया, कैसे कामगार, ठीक है? और कामगार है ना, आप चाहे वापस कबूतर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कबूतर, ठीक है ना? कबूतर किसकी मदद करता है? कामगारों की मदद करता है, ठीक है? कैसे कामगार, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर कैसे कामगार, तो 43 कै के अंदर। और 43 खै के अंदर क्या, तो कैसे खान, वही आया था जैसे अभी माइंस ऊपर गई थी, अपने देखा था खान, ये देखो थोड़ा सा ऊपर, ये देखो ये खै खान, ये वही भौतिक संसाधन के रूप में। और यहाँ खै खान कैसे आ रही है, यहाँ पे अपन ने देखा सहकारी, है ना? तो इसके अंदर ये सहकारी संस्थाओं का जो गठन हुआ है 97वें संविधान संशोधन से, RS3 में आया भी था 2011 के अंदर, मतलब 2011 में हुआ, 2013 वाले एग्जाम में आया था। तो कैसे खान की बात थी अभी अपने देखा, तो ये खान कौन चलाते हैं? ये सहकारी संस्थाएं चलाती हैं, ठीक है? तो 43 खे के अंदर खान की बात है जो कि सहकारी संस्थाएं चलाती हैं, ये समझ लो। और कैसे कबूतर कैसे कामगार, तो 43 खे के अंदर कामगार कबूतर कामगार, और 43 खै के अंदर खान बराबर सहकारी संस्था है। 45 में जैसे अपन देखते हैं इकाई का अंकार है 5, ठीक है? तो 5 क्या है, अपने आप में 6 से कम है कि नहीं है? बिल्कुल कम है ना? तो 6 साल से कम उम्र के जैसे जो बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी स्कूल में, जैसे जो पढ़ाने का सरकार का प्रयोजन है, मतलब औपचारिक शिक्षा से पहले जो अपन किंडरगार्टन जैसे देखते हैं, जैसे इसमें अपने जो आती हैं प्राइमरी ग्रुप्स के जैसे जो आते हैं फर्स्ट क्लास से पहले, जैसे अपन LKG UKG नर्सरी जैसे जो बोलते हैं, वो प्रेप, सॉरी LKG प्रेप के अंदर जैसे जो आ जाते हैं, तो फर्स्ट से सॉरी फर्स्ट क्लास से कम वाले, ठीक है? तो 6 साल से कम, फिर 6 साल में औपचारिक शिक्षा चालू हो जाती है क्लास फर्स्ट से। 3 साल के ऊपर डालते हैं, 3 साल की एज की बात, तो 4 5 6 के अंदर वो आंगनबाड़ी में रहता है, फिर 36 साल के अंदर वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो 6 साल से कम की आयु के बच्चों की बात है, तो 6 साल से कम क्या हो जाएगा? 5, तो 5 से क्या होगा? अनुच्छेद 45। ऐसे सब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? फिर 46 में 6 से अपन इकाई कहेंगे, 6 से छक्का, छक्का लगाना, छक्का लगाओगे अच्छा कैसे? शिक्षा पाके, पहले देखो तो सही, सीखो तो सही कैसे शॉट लगेगा, यॉर्कर पे बाउंसर पे गूगली पे, शिक्षा नहीं लोगे तो कैसे छक्का लगाओगे? ऐसे तो छक्का कैसे लगेगा? शिक्षा पाने से। और छक्के से क्या मतलब है अपन को? छक्का मतलब है ये 6, और 6 से क्या मतलब है? 46 में जो इकाई का अंकार है 6 है वो, ठीक है? फिर 7 जैसे अपन देखते हैं, तो 7 बड़े शुभ होते हैं ना, 7 फेरे लेते हैं, 7 दिन 7 होते हैं, सप्ताह में दिन 7 होते हैं, 7 सूर्य होते हैं, 7 समुंदर होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ऐसे तो 7 का अंक बड़ा शुभ है कि नहीं है, ठीक है? तो शुभ से अपन क्या रख लेंगे? पोषाहार, ठीक है? तो पोषाहार भी अपने लिए बड़ी शुभ होती है, अपन खाते हैं तभी अपने में एनर्जी आती है, शरीर काम करता है, तो इसलिए पोषाहार अपने लिए क्या होती है? शुभ होती है। शुभ का मतलब 7 है। तो छोटे छोटे शब्द आप याद रखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पोषाहार शुभ 7, तो 7 से आ जाएगा 47। ओके, फिर 8 में अपन देखो ये 6 षड्यंत्र आ गया, 6 षटकोण, तो 6 से क्या याद रखना, देखो 8 जैसे बन रहा है ना, 8 यूं बन रहा है ऐसे, तो देखो इस 6 में भी जैसे अपन ये 6 है इसके अंदर अपन यूं लगा दें, तो 8 जैसी आकृति बन गई कि नहीं बन गई? थोड़ी फिर इसमें खड़ा झंडा लगा दो ऐसे, तो 6 बन रहा है ना, तो 6 में ये 8, ये देखो ये 6 बन गया ना 8, ऐसे 8 में मेरे पेट में लगेगा कि नहीं चीरा ऐसे इस तरह से, ठीक है? तो कृषि 8 में, तो कृषि आ जाएगा ये 6, इसकी आकृति में 8 छुपा हुआ यूं 6 में 8 है ना, तो कृषि कृषि आ जाएगा ये, तो 48 का संबंध किससे? अनुच्छेद अनुच्छेद 48 का कृषि और पशुपालन से, तो कृषि समझ जाओ, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं इसको अपन, खेती के साथ साथ पशुपालन मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, ये हो गया। फिर वापस अब क्या, कबूतर आ गया, तो ये 48 का आएगा, तो कबूतर अपन को कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ पर्यावरण में मिलते हैं,
अगर पर्यावरण दूषित हो रहा है तो पशु पक्षियों की जान पे की लाले पड़े हुए हैं। तो 48 का संबंध, 48 क्या का संबंध, कैसे कबूतर क्या आते ही अपन को कैसे कबूतर याद रख लेना है, फिर देखना कि अभी कहाँ सेट होएगा। तो इसमें किसकी, स्वच्छ पर्यावरण की बात है, आएगा अपन देखेंगे सर आगे। फिर वापस नौ आते ही, जैसे अपन ने देखा नौ आते ही नौ हो गया, तो नौ का जैसे अपन ने क्या देखा, महत्व नहीं है। अब आज की तारीख में क्या रखा अपन ने कि महत्व ऑलमोस्ट गौण हो गया, जैसे अपन जैसे देखते हैं तो नौ का मतलब महत्व गौण। तो इसके अंदर जैसे ये क्या आएगा, ये जैसे नौ महत्व रह गया किसका, ये जैसे ये संस्मारक नहीं है, मॉन्यूमेंट जैसे जो होते हैं लाल किला कुतुब मीनार ये, ठीक है ना, संस्मारक मॉन्यूमेंट ये आदर्श ऐसे स्थान है और वैसे वस्तुएं हैं। तो जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान और वस्तुएं हैं उनका आज कोई महत्व ही नहीं है, कोई जाना पसंद ही नहीं करता आज कुतुब मीनार लाल किला देखने, सब वीडियो पे देख लो नेट पे देख लो बस खत्म। तो ऐसे कोई महत्व नहीं रहा आज इनका, लोगों का ऐसा मानना है जबकि असलियत ऐसी नहीं है। तो बस ये समझ लो नौ महत्व, नौ से क्या आ जाएगा, नौ नौ से बोले तो 39, और ये राष्ट्र महत्व की ये चीजें इसके अंदर है कि इनकी प्रोटेक्शन करेगा सरकार, सरकार है ना, राष्ट्र महत्व की चीजें, राष्ट्र महत्व की संस्मारक मॉन्यूमेंट्स आदि से स्थान और वैसे वस्तुएं, मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं अपने जिनको अपन या बोलते ऑब्जेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी रक्षा उन या मतलब उनका कोई भी आज राष्ट्र महत्व नहीं रह गया नो, ऐसे नो से नो याद आ जाएगा ये इकाई का अंक नो। ओके ये हो गया, फिर अपन आगे बढ़ते हैं 39, फिर अब 39 के बाद सॉरी 49 के बाद अब 50 आ गया, 50 में इकाई का अंक आ रहा है जीरो, है ना जीरो, तो जीरो शून्य, तो शून्य के अंदर क्या आ गया, जीरो बराबर शून्य, शून्य मतलब क्या है, इसमें पृथक्करण की बात है, पृथक्करण की, ठीक है। तो इसमें जैसे ये बोलता है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होगी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, कार्यपालिका पहले एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये लिखा हुआ ना कार्यपालिका का न्यायपालिका, तो जीरो बराबर शून्य। अभी अपन देखो पंचायत में आया था जीरो, तो वो शून्य वो 40 है, अब आ गया अपन 50 शून्य, है ना, तो शून्य अगर अपन जैसे डिवाइड करते हैं ना किसी भी चीज को, तो फिर आपका भविष्य क्या है, जीरो है, टूट गए भाई, एकता में बल है, लेकिन शून्य कब हो जाओगे, जब आप अलग अलग हो गए, तो शून्य हो गए अपन पृथक्करण के बाद, डिवीजन के बाद। तो ये पृथक्करण की बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में। अभी बस कार्यपालिका न्यायपालिका छोड़ दो, पृथक्करण याद रख लो प्यारे, बहुत है अभी इतना सब आ जाएगा आगे, ठीक है। तो शून्य हो गया पृथक्करण से, फिर अपन देखते हैं 51 अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या बोलता है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो 51 में देखो सबसे पहले तो अपन जैसे देखते हैं कि अपन जैसे नेक में देते हैं पैसे, तो अपन देते हैं 51 रुपए, है ना, 51 रुपए, है जैसे यार कन्यादान के रूप में 51 रुपए लिखा देना मेरी तरफ से, ठीक है। तो 51 ऐसे अपन को ध्यान रखना, 51 तो शांति और सुरक्षा की बात है, मतलब सद्भावना की बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना, ठीक है 51। अब इसके अंदर भी तीन आर्टिकल है, क्या 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 क्या, ठीक है। तो वही अब क्लू वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैसे कबूतर कैसे खान, कैसे गाय कैसे घड़ी, तो ये क्लू तो ऐसे याद रखने ही है। फिर देख लो मैं नीचे और दिखा दूं आपको, ये देख लो ये मौलिक कर्तव्य अपन याद करेंगे, ये देख लो यही आएगा, ये देख लो ये ऐसे सारे, कैसे कबूतर कैसे कान कैसे गाय गए घड़ी सड़क जय चरका, फिर यहाँ से आ जाएगा छह छात जय जहाज जय झंडा, यह अपन को यह को यूं लिखेंगे टै टमाटर, ऐसे है। तो इसको याद रखो, देखो ये अब मेरी वाली कैसे गड़े याद करनी पड़ेगी अपन को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, फिर बाकी मन में कर लो आए जो कर लेना बाद में सिलेक्शन का, अभी मेरा सुन लो पहले तो अपने बाद में गा लेना, समझ गए, समय आएगा वो भी। तो आओ तो ये इतना याद रखो, ये डांट नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक, डांटना तो आदत में नहीं आप अच्छी तरह जानते हो। तो आओ तो कैसे कबूतर कैसे खान कैसे गाय कैसे गड़ी, अब कैसे याद रखेंगे, देखो क्या कबूतर, कबूतर तो बेचारा अभी हमेशा शांति और सुरक्षा की बात करता है, सफ़ेद कबूतर उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते शांति सद्भाव के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव 51 के। फिर कैसे खान, है ना, खान में अपने वो भौतिक संसाधन देखे थे कि नहीं सारे सरकारी ऐसे, तो वो सब क्या होना चाहिए, न्याय संगत, है ना, खान में न्याय संगत उत्खनन होना चाहिए, सतत विकास जैसे जैसे होता रहे, ठीक है। तो कैसे खान न्याय संगत ऐसे, ठीक है। फिर जैसे गाय, गाय क्या होते हैं, जैसे गाय, तो गाय जैसे अपन देखते हैं गाय का आदर होता है कि नहीं होता, तो गाय से रिलेटेड जो भी विधि है जो भी उसके सम्मान जैसे अपन को गाय का करना है सब है, तो विधि और संधियां, ये संधियां हैं, संधियां
विधि और संधियां जितनी भी गाय से रिलेटेड है उनका अपन को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जैसे गाय, अभी अपन ऊपर देखा था, आपको याद हो क्या आया था, जैसे गाय के अंदर क्या था, गाय आर्थिक संसाधन है, वो 39 गाय में था। तो देखो ऐसे लिंक होंगी अपने आप में, नहीं तो यूँ गोजपोर 39 गाय में क्या था, 51 गाय में क्या था, सिर पकड़ लोगे और फिर मेरा और पकड़ा दोगे सिर, क्या करें सर, याद रखो और करोगे क्या, है ना। गैसे गाय, फिर गैसे घड़ी आया था, तो देखो अभी याद कराया था घड़ी कार्य वेतन, और यहाँ से घड़ी घड़ी गैसे घड़ी क्या आ जाएगा, घड़ी लगा के अपन माध्यस्थम आर्बिट्रेशन, है ना, जैसे अपन घड़ी जैसे लगा लेते हैं, और माध्यस्थ माध्यस्थम क्या होता है, ये मध्यस्थता है बस, इतना है ना, मीडिएशन करते हैं, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो अपन ने क्या बोला, घड़ी लगा लिया हाथ पे, और क्या बोला, भैया ज़्यादा मत बोलो, 1 मिनट तुम बोल लो और 1 मिनट तुम बोल लो, ठीक है ना, दोनों की सुन लूंगा मैं, मध्यस्थता जैसे अपन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना 10 मिनट तुम बोलोगे और उसको मैं बोलने दो, नहीं, घड़ी मैंने पहन रखी है, हाँ चलो जाओ भैया बोलो पहले तुम, 1 मिनट हो गया, अब रुक जाओ शक्तिमान, अब तुम बोलो क्या बोलना। तो ये मध्यस्थता ऐसे ही होती है घड़ी देख कर, है कि नहीं है, ऐसे। तो अभी जैसे जो आर्टिकल है ना, ये इधर वाली बात, ये इधर, ये सब अपन अभी थियोरी में बताऊंगा कि कैसे दक्षिण चाइना सागर पर अपन ने क्या बोला कि यूएन क्लॉज जैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसके तहत होना चाहिए ये जो संधिया आए ना, गैसे गाय अंतर्राष्ट्रीय विधि और संहिता बोला भारत, आता सवाल दक्षिण चीन सागर के ऊपर भारत का क्या रुख है बताओ, अपन लिखते हैं 51 गाय के तहत उसको सारा, भारत ने बोला यूएन क्लॉज जैसे जो है ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लॉज ऑन सीज उसके तहत हो, उसके अंदर गलवान घाटी में चीन पीछे हटा, भारत ने क्या बताया, कुछ भी हो अंतर्राष्ट्रीय संधि संस्थाओं का हम पालन करते हैं विधि का, उसके अनुसार होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिस्कस करें, सारे क्वेश्चन में ये क्या उन गया लिखा जाता है अपने पर, लेकिन याद तो गए में है क्या, बड़ी बड़ी बातें तो सब हो जाएंगी। सवाल आता है फिलिस्तीन के ऊपर भारत का क्या रुख है, गाजा समस्या भारत का क्या रुख है, तमिल समस्या आती क्वेश्चन आया था भारत का क्या रुख है बताओ, रोहिंग्यान समस्या भारत का क्या रुख है बताओ, 51 गए भैया रुख क्या है, भारत सम्मान करता है सभी अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संधियों का, आदर करता है उनका, नीति निर्देश तत्व में सरकार बंधी हुई है, मतलब सरकार को गाइड करते हैं नीति निर्देश तत्व, सारी कहानी गए पे, गए आता तो सब कुछ कर दोगे। तो गए से गाय, गाय की विधि, गाय के संहिताएं, गाय की संधियां संबंधित जो भी उनको क्या करना है, आदर करना है, बस खत्म, हो गया काम अपना, हो गया प्रीपास, है ना। ऐसे कैसे कबूतर शांति सुरक्षा, कैसे खान, खान का न्याय संगत उत्खनन, जैसे गाय विधि सही संधियां उनका आदर, जैसे घड़ी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्लू जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं तो कैसे कबूतर नहीं बनाऊंगा सर, नहीं बनाऊंगा कैसे कबूतर, क्या करूंगा यार कुछ, आप बना दो तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बनाओ तो सही लेकिन यार याद तो करो, पूछूंगा फिर टेस्ट में ऐसे, है ना। तो देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट फाइल अपन ने क्लू की बनाई है, 2-3 बार सुनो, मंथन करो, ये याद कर लिया ना आगे सब ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा माइंड में, और ये याद नहीं किया ना तो बता चुका हूँ 10 बार गोल 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 घूमेंगे वो चक्कर आएंगे, है कि नहीं। रिवीजन करो 1-2 बार फिट हो जाएगी भाई, और इसको याद कर लो पहले, है ना, ये पूरे 39 से 51 तक जो मैंने आपको बताया, सॉरी 35 से 51 तक, ऊपर देखो अपने ये 36 से 51 तक जो बताया, 35 में तो मौलिक अधिकारों में रह जाता संसद अधिनियम, ठीक है। तो 36 से लेके 51 वाले जो है ना इन इन आर्टिकल्स को याद कर लो एक बार, चबा चबा के चबा, 2-3 दिन 4 दिन लगने दो, ये वीडियो मैंने इसलिए लेट अपलोड किया है जैसे मालिक अधिकार चपा चपा के याद कर लो, तो 2-3 दिन लगने दो याद कर लो इनको, और फिर देखना मज़ा, ये माइकल की तरह खेलोगे मज़ा आ जाएगा, है ना। इनको याद करो फिर मैं आगे की कहानी आपको और बताता हूँ, ठीक है, ओके।